ये बात है फरवरी 2019 की, जब कुछ मछुआरे मछली पकड़ने के इरादे से इटली के एक तट से समंदर में पहुंचे। जब वो समंदर के बीचों बीच थे तो उन्हें कुछ दूरी पर कुछ तैरता हुआ दिखा। शुरू में तो उन्हें लगा कि शायद ये कुछ लकड़ी के टुकड़े हैं, लेकिन जब पास जाके उन्होंने देखा तो वो ये देख के हैरान रह गए कि वहां पर दो हिरन तैर रहे थे। ओ माय गॉड, अब ये हिरन समंदर के बीचों बीच कैसे पहुंचे, ये आज तक एक रहस्य है। बहरहाल उन मछुआरों को दिल से धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने उन हिरनों को बचाने की सोची। तो उन मछुआरों के लिए एक लाइक तो बनता है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम इंडिया में है, ओ माय गॉड, पर ये सच है। गाइस मैं बात कर रहा हूं गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम की, जिसकी सिटिंग कैपेसिटी 1,10,000 दर्शकों की है। इसके पहले तक ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का था, जहां की सिटिंग कैपेसिटी 1,00,000 थी। इसकी खास बात यह है कि ये 63 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पर 4 ड्रेसिंग रूम्स बनाए गए, मतलब एक समय पे 4-4 क्रिकेट टीमें एक साथ यहाँ पर ठहर सकती हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर बारिश हो गई तो यहाँ पर ड्रेनिंग सिस्टम बनाया गया, जिसके थ्रू इस मैदान को 30 मिनट के अंदर फिर से खेलने के लिए तैयार किया जा सकता है। पहले दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू और अब दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। यस, प्राउड टू बी एन इंडियन गाइस। इस दुनिया में बहुत सी ऐसी खूबसूरत चीजें हैं जिसे हमें मरने से पहले जरूर देखना चाहिए। उसमें से एक है वियतनाम के बाना हिल्स पे बना हुआ गोल्डन ब्रिज। क्या खास बात है इसकी, मैं आप लोगों को बताता हूँ। सोशल मीडिया पे फेमस इस गोल्डन ब्रिज को 2 कंक्रीट के हाथों ने थामा हुआ है। पूरा का पूरा ब्रिज इन हाथों पे टिका हुआ है और लोग इसे ईश्वरीय हाथों का दर्जा दे रहे हैं। अभी तो हम लोग कहीं जा नहीं सकते, लेकिन जब ये कोरोना का संकट खत्म होगा तो मैं जरूर वियतनाम जाके इसे एक्सप्लोर करना चाहूंगा। आप लोग कहां जाना चाहेंगे जरूर लिखिएगा। 2016 में ऑस्ट्रेलिया से मार्क नाम का एक लड़का अपने पिता को लेके जैसे ही हिंद महासागर में मछली पकड़ने के लिए पहुंचा तो कुछ दूरी पर उन्हें पिंक कलर की बोल नुमा एक बहुत बड़ी सी चीज दिखाई दी। शुरू में तो उन्हें लगा कि शायद कोई नाव पलट गई है, लेकिन थोड़ा पास गए तो समझ में आया नाव तो नहीं है, लेकिन बहुत अजीब सी चीज थी। लेकिन जब बिल्कुल पास पहुंचे तो उन्हें समझ में आ गया था कि व्हेल की डेड बॉडी है। अगर आपको इन फ्यूचर कुछ ऐसा दिखे तो तुरंत उसे दूर भाग जाइए, नहीं तो आपकी जान भी जा सकती है। होता कुछ यूं है कि व्हेल के मरने के बाद उसके अंदर के बैक्टीरिया गैस प्रोड्यूस करने लगते हैं। अब चमड़ी मोटी होने की वजह से वो गैस बाहर नहीं निकल पाती और प्रेशर बढ़ने की वजह से वो फट पड़ती है। अब अगर ऐसा कुछ दिखे इन फ्यूचर तो सावधान जरूर रहिएगा। ये घटना है जनवरी 2020 की, जब पाकिस्तान के लाहौर में लोगों में तब डर का माहौल पैदा हो गया जब उन्होंने आसमान में एक बड़ा सा उड़ता काले रंग का छल्ला देखा। कुछ लोगों का ये कहना था कि शायद ये कोई शैतानी बादल है, तो कुछ लोग कहने लगे कि शायद ये कोई एलियन एक्टिविटी है। यही सेम काला छल्ला इंग्लैंड में भी देखने को मिला और यही सेम काला छल्ला कैलिफोर्निया में भी देखने को मिला। कुछ लोगों का कहना था कि शायद ये आग से निकले काले धुएं की वजह से बना हुआ हो सकता है, लेकिन दमकल कर्मियों का कहना था कि जब ये छल्ला दिखा तो आग लगने की कोई घटना हुई ही नहीं थी। तब ये क्या है गाइस, बहुत सारी इस धरती पर ऐसी रहस्यमयी घटनाएं होती हैं जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। महज 5 साल की उम्र में उसने अपने पिताजी को खो दिया। घर की और छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी होने की वजह से उसने खाना बनाना सीखा और महज 7 साल की उम्र में उसने खाना स्पेशली चिकन बनाना सीख लिया था। लेकिन जब भी वो जॉब के लिए बाहर जाता उसे ठोकरें ही मिलती। जॉब ना होने की वजह से शादी के बाद उसकी पत्नी भी उसका साथ छोड़ के चली गई और 60 साल की उम्र तक आते आते अपना पेट पालने के अलावा उसने कुछ नहीं किया। लेकिन जब रिटायरमेंट का वक्त था तो उसमें जुनूनियत जाग गई और उसके बाद अपनी यूनिक चिकन रेसिपी की वजह से उसने एक ऐसा रेस्टोरेंट शुरू किया जिसकी आज पूरे विश्व में 118 देशों में चैन्स हैं। यस गाइस, मैं बात कर रहा हूँ KFC रेस्टोरेंट ओनर कर्नल हार्लन सैंडर्स की। गाइस ये बात आप याद रखिए कि अगर आपको किसी चीज के लिए जुनूनियत है तो उम्र कभी मायने नहीं रखती। गाइस इस वीडियो को देख के मेरा दिल पसीज गया है, सच बता रहा हूं। कोरोना से लड़ने के लिए और इन मरीजों की सेवा करने के लिए डॉक्टर्स लोग अपनी जान हथेली पे रख के पूरे दिन अपना फर्ज निभा रहे। पूरे दिन मास्क पहनना पड़ता है और उसके बाद जब उसको निकालते हैं तो ऐसी हालत हो जाती है। इसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम लोग बहुत ज्यादा सेल्फिश हैं। हमें कोरोना ना हो इसके लिए घर पे बैठने को गुजारिश की गई, कहा गया, लेकिन हम लोग हैं कि टिकते ही नहीं। घर पे बैठिए,
ताकि इन डॉक्टर्स लोगों को भी अपने घर जाने का समय मिल सके। कोरोना के पेशेंट कम होंगे तब तो ये लोग घर जा पाएंगे। समझिए, घर बैठिए।